यक और यखनी क्या होते हैं? धम्मपद की गाथा नंबर 5 में जहां वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है, उसमें काली यखनी का जिक्र आया था। यखनी और यक, अगर हम आज का एंथ्रोपोलॉजी लें यानी मानव विज्ञान लें, या उस समय का मानव विज्ञान की बात करें, तो उस समय बुद्ध समय में भी दुनिया के अंदर तरह तरह के मनुष्य की यानी जितने भी मानव हैं उनकी नस्लें होती हैं, और उनके अपने कुछ खास सामाजिक रूल और कैरेक्टर और उनकी फिजिक के रूल होते हैं जिनसे हम उनका वर्गीकरण करते हैं, उनका वर्ग बनाते हैं। बुद्ध के समय में नाग, मनुष्य, देवता, यक्ष, प्रेत, ये कुछ तरह के लोग हुआ करते थे, उनके जिक्र बार बार आएंगे। और जयमंगल गाथा के अंदर भी एक यक्ष का जिक्र आने वाला है, इसलिए पहले ये समझ लें कि यक्ष और यखनी बुद्ध के समय में क्या होते थे। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली जनपद पर जाएंगे, जो संसद मार्ग वाली रोड है, अगर वहाँ आप जाके देखेंगे तो रिजर्व बैंक के गेट पर दो बहुत बड़ी बड़ी पत्थर की स्टैचू लगी हुई हैं। उसमें एक नर है और एक मादा है, एक मेल है और एक फीमेल है। जो मेल है उसको यक्ष बोलते हैं और जो फीमेल है उसको यखनी बोलते हैं। ये यक्ष और यखनी की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये प्राचीन काल में भी काफ़ी मूर्तियाँ बनी थीं और उसी के आधार पर ये बनाई जाती हैं। वस्तुतः या हम देखें तो ये कुछ अलग तरह की मूर्तियाँ होती हैं, मगर यक्ष जो होते हैं वो भारत के मूल निवासी होते हैं। उनका एक अलग अपना सिस्टम होता है, सामाजिक सिस्टम, जहाँ वो रहते हैं। काले होते हैं और शरीर से बहुत ताकतवर होते हैं। उनकी जो मादाएँ होती हैं बहुत सुंदर होती हैं और शरीर से बहुत सुडौल होती हैं। लगभग सभी गदराए हुए और भारी बदन के होते हैं, या होते थे, आज भी हैं। और उनमें बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, तर्क वितर्क में उनका कोई जवाब नहीं है। आपने अगर सुना हो कि कुछ ऐसी जो कहानियां हैं बताई जाती हैं, यक्ष प्रसन्न, या इसको पाली के अंदर बुद्ध के समय में यक्ष बोला करते थे, मगर बाद में जब संस्कृत भाषा हुई तो आधा के और खे को छ बना दिया, तो उसको यक्ष बोलते हैं, यक्षणी बोलते हैं। तो यक्ष प्रसन्न के नाम से या यक्ष प्रसन्न के नाम से आपने देखे होंगे कि बहुत बार होता है, कहते हैं ये तो यक्ष प्रसन्न है, यक्ष प्रसन्न आ गया, यानी कठिन प्रसन्न आ गया। ये यक्ष प्रसन्न और यक्ष प्रसन्न जो आएंगे, यानी यक्ष ने जो प्रश्न पूछे हैं वो भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछे, और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों को ही दुनिया के अंदर यक्ष प्रसन्न के नाम से जाना जाता है। यक्षों का अपना एक साम्राज्य, एक राज्य होता है जहाँ वो रहते हैं। कहानी या पुराणों में उनको बदनाम किया गया है ये कह के कि वो मांसाहारी होते हैं, और वो अब मांसाहारी किसी को ले जाते हैं पकड़ के जंगल में और खाते हैं। किंतवंती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमारे पास इसके प्रमाण नहीं है। मगर जितने इंटेलेक्चुअल और जितने बुद्धिमान और जितने प्रज्ञाशील वो लोग हैं और जितने तर्क वितर्क वाले हैं, कहीं नहीं लगता कि ऐसे लोग जो जंगल में मेहनत करते हैं, जिनका अपना एक राज्य, अपनी एक सल्तनत होती है, वो नरों को या मांसभक्षी होंगे। क्योंकि अगर वो मांसभक्षी होते तो अपने कबीले के भी मांस को वो खाते, इसलिए इस बात में कहीं दम नहीं है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहे और उन्होंने कभी कभी किसी की गुलामी के अंदर काम नहीं किया, वो इंडिपेंडेंट रहे, अलग रहे, और लोग उनसे डरते रहे। बाबा साहब ने अपनी जो पाली का 16 वॉल्यूम है, 16 नंबर का जो वॉल्यूम है, उसमें जो यक्ष का जिक्र करके बताया है, उन्होंने उनको सुपरमैन करके कहा है, यानी वो जो मनुष्य हैं उनसे थोड़े से बड़े हैं, सुपरमैन करके हैं, और थोड़े से हर चीज़ में वो आगे हैं। उनकी जो पत्नी होती हैं उनको यखनी बोलते हैं, या जो महिलाएं होती हैं उनको यखनी बोलते हैं। उनके राजा को यक्ष राजा बोलते हैं, उनका राज होता है, ये कथा में आएगा। इसलिए यक्ष और यखनी को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि कथा जो जयमंगल गाथा है वो आपको समझ में आए। धन्यवाद।